दोस्तों स्क्रीनशॉट्स तो हम सभी लेते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि आप और भी अच्छे तरीकों से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं एंड्रॉयड और विंडोज पीसी में। हे गीक्स, मेरा नाम है आयुष कुमार और चलिए जानते हैं कैसे लेते हैं ये स्क्रीनशॉट्स। आई होप कि इस वीडियो से आपको जरूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, सो इसे अंत तक जरूर देखें। शुरुआत करते हैं एंड्रॉयड से, फिर आते हैं विंडोज़ पे। और एंड्रॉयड में चार तरीके हैं जिनके द्वारा हम स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। सबसे पहला तरीका है पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन, दूसरा तरीका है क्विक बॉल, तीसरा तरीका है थ्री फिंगर स्वाइप डाउन और चौथा तरीका है नोटिफिकेशन बार। तो अब हम आते हैं अपने एंड्रॉयड स्क्रीन पर, जिसमें सबसे पहला तरीका है पावर बटन प्लस वॉल्यूम डाउन बटन का, जिसे मैं दबा के देखता हूँ। तो ये हो गया है स्क्रीनशॉट। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे तरीके पे, जो कि है क्विक बॉल। अगर आपके पास है Xiaomi या Realme का कोई फ़ोन, तो ये फीचर आपके मोबाइल में पहले से ही प्री इंस्टॉल रहेगा। इस फीचर से आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए सिंपली क्विक बॉल पे क्लिक करना है और स्क्रीनशॉट पे क्लिक करना है, और ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट। क्विक बॉल का फीचर अभी सिर्फ Xiaomi और Realme के फ़ोन्स में अवेलेबल है। अगर आपको इसे इनेबल करना है तो सिंपली आपको सेटिंग्स में जाना है और वहाँ सर्च करना है क्विक बॉल। सर्च करने के बाद यहाँ पर आपको ज़रूर क्विक बॉल मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करिए और फिर इस क्विक बॉल वाले फीचर को ऑन कर लीजिए। एक बार ये क्विक बॉल ऑन हो गया तो आप इसे फिर कहीं भी पोजीशन दे सकते हैं। अब इससे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और भी छोटे छोटे काम कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ स्क्रीनशॉट है, लॉक स्क्रीन है और भी बहुत कुछ है, और इन ऑप्शंस को आप एडिट भी कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने तीसरे तरीके पे, जो कि है थ्री फिंगर स्वाइप डाउन का। ये फीचर काफ़ी आसान है, जिसमें हमें सिर्फ अपने तीनों फिंगर्स को स्क्रीन पर स्वाइप डाउन करना है, और ये फीचर अवेलेबल है सभी फ़ोन्स में एक्सेप्ट स्टॉक एंड्रॉयड के। इस फीचर को ऑन करने के लिए हमें आना पड़ेगा सेटिंग्स में और वहां सर्च करना पड़ेगा स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट का ऑप्शन यहां आपको ज़रूर मिल जाएगा। इस मेन्यू में हमें कैसे स्क्रीनशॉट लेना है ये भी बताया गया है, और बाय डिफ़ॉल्ट ये ऑप्शन नन सेलेक्ट किया हुआ रहता है, जिसे आपको चेंज करके थ्री फिंगर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हम आते हैं अपने चौथे मेथड पर, जो कि है नोटिफिकेशन बार। इसके लिए हमें नोटिफिकेशन बार में जाना है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ स्क्रीनशॉट का कोई ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है। अब आप इसमें एडिट कर सकते हैं, तो एडिट ऑप्शन में क्लिक करने के बाद ऊपर की साइड में वो ऑप्शंस है जो अभी अवेलेबल है और नीचे की साइड में जो डिसेबल है। तो मैं स्क्रीनशॉट की जो ऑप्शन है उसे प्लस कर देता हूँ। यहाँ स्क्रीनशॉट का ऑप्शन आ गया है, अब मैं इसे ऊपर कर देता हूँ और फिर डन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, और इसके द्वारा अब मैं कभी भी स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ। चलिए आते हैं विंडोज़ पीसी पर, जिनमें मैं आपको तीन तरीके बताऊंगा। सबसे पहला तरीका है विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन का, दूसरा तरीका है स्निपिंग टूल जिसे अभी स्केच रिप्लेस करने वाला है, और तीसरा तरीका है क्रोम एक्सटेंशन। तो अब हम आ चुके हैं अपने विंडोज़ स्क्रीन पर, जिसमें मैं आपको सबसे पहला तरीका बताऊँगा विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन का, और यहाँ मैं आपको एक स्क्रीनशॉट लेके दिखाता हूँ। अब इस स्क्रीनशॉट को देखने के लिए मैं जाऊँगा फाइल एक्सप्लोरर में, जिसमें मैं जाता हूँ पिक्चर्स में, और फिर वहाँ आपको स्क्रीनशॉट्स करके एक फोल्डर मिलेगा जिसमें आपके सारे स्क्रीनशॉट्स सेव रहेंगे। आप विंडोज़ की प्लस प्रिंट स्क्रीन का ऑप्शन जितनी बार दबाएंगे उतनी बार यहाँ स्क्रीनशॉट्स सेव होते जाएंगे। तो अब हम आते हैं अपने दूसरे मेथड में, जो कि है स्निपिंग टूल का। तो मैं जाता हूँ स्टार्ट में और वहाँ सर्च करता हूँ स्निपिंग टूल, और यहाँ स्निपिंग टूल्स खुल चुका है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि स्निपिंग टूल्स में लिखा हुआ भी है कि ये मूव करने वाला है जल्द ही विंडोज़ 10 में, यानी कि स्निपिंग टूल को जल्द ही स्निप एंड स्केच करके ऐप रिप्लेस करने वाली है, जिसका शॉर्टकट की भी लिखा हुआ है विंडोज़ की प्लस शिफ्ट प्लस एस का। ये नई टूल थोड़ी और पावरफुल होगी, जिसे कैसे यूज़ करना है वो मैं अभी आपको जस्ट बताऊँगा। तो इसे यूज़ करने के लिए आप जाएंगे न्यू में और अपने स्क्रीन के एरिया को सेलेक्ट करेंगे और वहाँ माउस कर्सर को छोड़ देंगे, फिर स्निपिंग टूल्स ऑटोमेटिकली
उस सेलेक्टेड एरिया को एक फ़ोटो में कन्वर्ट कर देगा और फिर एक विंडो खुलेगी जिसमें आप उस स्क्रीनशॉट को एडिट भी कर सकते हैं। इसके बाद आपको स्क्रीनशॉट को मैन्युअली सेव करना पड़ेगा, नहीं तो यह सेव नहीं होगा। अब हम जानते हैं कि कैसे हम स्निप एंड स्केच से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं फिर से इसे सर्च करता हूँ और मैं ये इसे खोल देता हूँ। इसमें भी आपको सिंपली न्यू में ही जाना है, फिर से एरिया ही सेलेक्ट करना है और ये खुद से आपकी स्क्रीनशॉट को डिस्प्ले करेगा जिसे आप अब एडिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, ध्यान रखने वाली बात यह है कि इन दोनों ही ऑप्शंस में आपको स्क्रीनशॉट्स को मैन्युअली ही सेव करना पड़ेगा, नहीं तो ये लॉस्ट हो जाएंगे। तो हम आते हैं अपने तीसरे मेथड पे, जो कि है क्रोम एक्सटेंशन। इस मेथड में हमें क्रोम ब्राउज़र में किसी भी वेब पेज का अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो वो मैं बताता हूँ कैसे ले सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको क्रोम वेब स्टोर पर जाकर screen.ly एक एक्सटेंशन आता है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इसे आपको इंस्टॉल करना है और फिर आप किसी भी वेबसाइट पर आ जाए। जैसे कि मैंने अपने स्क्रीन पर अभी geekyshair.com खोला हुआ है। फिर आप टॉप में राइट हैंड साइड पे जाए जहां एक्सटेंशंस रहते हैं और एक्सटेंशन पर क्लिक करें। screen.ly एक्सटेंशन पर क्लिक करने पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे जिनसे आप बहुत अच्छे तरीक़ों से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। इसमें क्लिक करके आपको टोटल 6 ऑप्शंस मिलेंगे जिनसे आप अलग अलग तरीक़ों से स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं अपने यूज़ के अनुसार। तो मैं आपको सिलेक्टेड एरिया का ऑप्शन यूज़ करके दिखाता हूँ, जिसमें मैं देखिए एरिया को सेलेक्ट कर लूँगा ब्राउज़र में और अब इस एक्सटेंशन ने इस वेब पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया है, जिसे अब मैं डन पर क्लिक करके सेव भी कर सकता हूँ इमेज और PDF के फॉर्म में। यहाँ तक कि मैं इसका लिंक भी क्रिएट कर सकता हूँ, इससे पहले आप इसे एडिट भी कर सकते हैं। और ये हमारा स्क्रीनशॉट डाउनलोड हो गया। अब हम इस स्क्रीनशॉट को ओपन करके देखते हैं और ये रहा हमारा स्क्रीनशॉट। सिमिलरली अब हम जानते हैं कि कैसे हम इंटायर पेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके लिए हम फिर से screen.ly एक्सटेंशन पर क्लिक करेंगे और इंटायर पेज के ऑप्शन पर जाएंगे, जिसके बाद आप देख सकते हैं कि screen.ly एक्सटेंशन का विंडो ऑटोमेटिकली खुल चुका है, जिसे आप इमेज और PDF के फॉर्म में सेव कर सकते हैं और आप फिर से इसका लिंक भी क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।